नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 5, दैट इज जूलिया. इसमें बेसिकली एक एकांकी है, यानी एक डायलॉग स्क्रिप्टिंग है. तो लेट्स सी इसमें है क्या. एकांकी में गवर्नेस यानी जो सेविका है उसकी मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है. एग्जैक्टली क्या है वो देखते हैं, स्टोरी समझने के बाद ही समझेगा. बच्चों की गवर्नेस जूलिया वाल्सी देवना आती है. बच्चों की गवर्नेस कौन है, जूला वाल्सी देवना आती है. जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक. गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो. जूलिया, शुक्रिया. गृह स्वामी, गृह स्वामी मतलब जो घर में रहती है, घर की मालकिन वो. जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहती हूँ. मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे पैसे भी नहीं मांगोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ. हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना. गृह स्वामी मतलब वहां का जो मालिक है, वो सॉरी वो जो मालिक है, उसने कहा, जूलिया को बुलाया, अपने पास बिठाया और उसने बोला कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का यानी तेरी सैलरी का हिसाब करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना तक मैं जानता हूँ तो खुद से कभी मांगेगी नहीं और तुझे जरूरत भी होगी ये भी मुझे पता है. तो 30 रूबल महीना ये तय हुई थी ना, ऐसा पूछा था. तो रूबल यहाँ मतलब होता है वो फॉरेन कंट्री का हिसाब है यहाँ पे. जूलिया विनती स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल. उसने बोला 30 नहीं 40. गृह स्वामी, नहीं भाई 30. ये देखो डायरी पे पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है. उसने क्या बोला कि 30 रूबल हुई गई. तो उसने बोला 30 नहीं 40 हुई गई. तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैंने अपने डायरी में नोट करके रखा है. मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ. तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था. अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं. उसने अपनी डायरी दिखाई और बोली, ये देखो मेरी डायरी में सब लिखा हुआ है. मेरे यहाँ जो भी गवर्नेस काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें पढ़ाती है, उन्हें मैं हमेशा सेम सैलरी देता हूँ. तो तुमको यहाँ पे टोटली 2 महीना हो गया है. तो उसने बोला, जी नहीं 2 महीने 5 दिन. रोजा, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है. तो उसने बोला कि मैंने, वो बार बार वही बोलता है कि मैंने डायरी में सब नोट किया है, नोट किया, उसके हर स्टेटमेंट को गलत ठहराता है. हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 8 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुम एक दिन भी छुट्टी ना ही लो. तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो. और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता. इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना. उसने उसका हिसाब गिनाया कि तुमने इतनी इतनी ऐसी ऐसी छुट्टियां ली है और एक दिन तो तुम सिर्फ उसको घुमाने नहीं हो और बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं होता और उसके अलावा तुम्हारी 3 छुट्टियां है, ठीक है. तो जूलिया वापस दबे स्वर में बोली, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, ऐसा रुक जाती है. अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या. हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया. तो उसने बोला कि 9 इतवार गए और 3 छुट्टियां गई, यानी 12 इतवार तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट जाएंगे. तो उसने बोला कि तेरे 12 रूबल कट जाएंगे. उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुम सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया पिछले हफ्ते. शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी. तो 12 और 7 19 19 नागे हाथ, तो भाई घटाओ 7 में से 19 कितने रहते हैं, 41 41 रूबल, ठीक है. तो उसने बेसिकली हिसाब लगाया कि तुम 12 दिन नहीं, उसके बाद 2 4 दिन का और ऐसा हुआ तो टोटल 7 दिन बैठ गए, तो इतने इतने काटे पैसे का टोटल कितना. तो उसने बोला टोटल हुआ 60 में से 41 रूबल. जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते मतलब रुआसी मतलब रोने जैसा हो जाती है और बोलती है, ठीक है जी हाँ. गुरु स्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए,
हाँ याद आया, पहली जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रुबल भी काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मालिया ने मानिया के नए जूते चुरा लिए। और तुम मेरी बात सुन भी रही हो, मतलब ये बेसिकली डायरी में सिर्फ उसको हिसाब गिना रहा था कि बीच में 41 रुबल रह गए। 41 रुबल में से भी उसने बोला कि तुमने बीच में प्लेट तोड़ दी तो उसके 2 रुबल काट रहा हूँ, एक की जैकेट फट गई क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था, ये नहीं था, इसके लिए उसके 10 रुबल काट रहा हूँ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे किसी नौकर में उसके जूते चुरा लिए तो उसके पैसे काट रहा हूँ। तो फिर उसने उसको पूछा कि तुम ध्यान नहीं दे रही है। जूलिया मुश्किल से अपनी उंगलाई रोकते हुए जी सुन रही है, उसको बहुत रोना आ रहा था लेकिन वो फिर भी दबे शोर में बोल रही थी कि हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुपए और काट कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे। उसने बोला अरे तेरा काम ये सब देखभाल करना है, तो अगर वो ढील दी उसमें मतलब उसमें कोई भी चूक हुई तो पैसे कटेंगे ही ना, मैं गलत काम कर रहा हूँ क्या? तो उसने जूते के भी 5 रुबल कट दिए और उसको याद आया कि 10 तारीख को जनवरी को उसने उसको 10 रुबल भी दिए थे। जूलिया लगभग रो गई, जी नहीं आपने कुछ नहीं, मतलब उसको आगे बोलने ही नहीं दिया उसने। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो उसने जबरदस्ती उस पर इल्जाम लगाया। मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। उसने बोला मैं मेरी डायरी में हर चीज लिख के रखता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं दिखाया हूँ। जूलिया आंसू पोंछते ही कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, मतलब वो मान लेती है बेचारी क्योंकि गरीब होती है जरूरतमंद होती है इसके लिए। ध्रुवा स्वामी कड़े स्वर में दिए होंगे नहीं दिए हैं ठीक है, घटाओ 27 41 में से बच्चे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? तो उसने बोला कि और 27 घटाओ इन सबका मिला के तो हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुबल ज्यादा नहीं। तो उसने बोला कि मुझे अभी तक सिर्फ थोड़े ही पैसे मिले थे, वो भी मालकिन ने दिए थे, वो भी 3 रुबल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। और उसने बहुत शांति से सहज के कहा था गृह स्वामी और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई अब तक। देखो तुम ना बताती हो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। उसने बोला कि मेरी वाइफ ने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई, तुम नहीं बताती तो अनर्थ हो जाता। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 कटे, 2 बचते हैं, 11 रुपए घटा दो तो बचते हैं 11 रुपए, संभाल लो गिन लो ठीक है ना? तो उसने उस रूबी काट कर उसको दे दिया। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेते हैं, कांपते ही सर में जी धन्यवाद, तो वे बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्ला देता, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है, मतलब वो जान बूझ के करता है, वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुमको फंसा रहा हूँ, तुम्हारे सारे हिस्से के पैसे काट रहा हूँ, तो भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, मुझे थैंक यू बोल रही हो। ऐसा बहुत गुस्से में चिढ़ जाता है। जूलिया जी हाँ मालिक। गृह स्वामी जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों मानसिक धरने की मालिक थी? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप खुश दे रहे हैं। उसने बोला कि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन्होंने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कम से कम कितने पैसे तो मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं हर बार में हाजिर कर रही हूँ। गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा इन वीडियो।